अगले ही दिन सुबह होते ही पूरे जोश में मैं निकल पड़ा नवीन निवास की ओर। और वहाँ थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मुझे दिखाई दिए ये अंकल जी। नवीन निवास जाने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ दोस्तों, फालतू में एक दो दिन वेस्ट हो गया और सर से मिल भी नहीं पाया। और वहाँ से मैं बिना देरी किए डायरेक्ट निकल पड़ा अपने नए डेस्टिनेशन कटक की ओर। और रास्ते में मुझे ये भैया जी मिले, इन्होंने मुझे केले और बिस्किट गिफ्ट की। आँखों से मिल गए हो गए। और ये फालतू के गानेबाजी करते करते मैं पहुँच गया एक ढाबे के, और वहाँ मुझे भूख लगी थी जो, तो खाना वाना खा के मैं पहुँचा डिकैथलॉन। और वहाँ दोस्तों सारे चीज़ों का रेट यार आसमान छू रहा था, तो क्या करता मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगा। उतने में मुझे दिखाई दिया इतना बड़ा पंखा, यार जिंदगी में कभी नहीं देखा है। भगवान करूँ भल बुलिकी आम किसी भल बार्ता आस आम तुम भाई सैकेल भ्रमण करी आम भारत ओडा सम्बलपुरवासी खुशी हूँ ए गर्व अनुभव कर। धन्यवाद। और रास्ते में फोटोग्राफी करते करते मैं पहुंच गया कटक। और ये है जो दोस्तों कटक का फर्स्ट व्यू। पुलिस स्टेशन को आड़े, पुलिस स्टेशन को आड़े। एपट रू तो आसीच हाँ सर, पुलिस स्टेशन कौटी कड़े पुलिस स्टेशन को पुलिस हाँ ये जगह ये लोकेशन एटा। और शाम के टाइम कटक में ट्रैफिक बहुत है यार, क्या है बताऊँ। और थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद मुझे मिल गया ये मधुपटना पुलिस स्टेशन। और वहाँ थोड़े सर से रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे ये रूम दे दिया। तो दोस्तों गुड नाइट।